तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वक्त ईफल टावर जो है उसकी वो लाइटों में जगमगा रहा है। अगर फ्रांस ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो ये जो सेलिब्रेशन है वो देखने से ताल्लुक़ रखती। यहाँ पर फ्रांस ना सिर्फ जगमगाता बल्कि लोगों का यहाँ पे झुरमट होता, यहाँ पर इतना शोर शराबा होता, लोग झंडे लेकर आ जाते, गाड़ियों का शोर होता, हॉर्न्स का शोर होता। नॉर्मली जैसे फ्रांस में सेलिब्रेशंस की जाती हैं किसी भी इवेंट के ऊपर, तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे यहाँ पर फ्रांस को हारता देखकर। फ्रांस हार गया है, मैं फ्रांस में रहता हूँ तो फ्रांस मेरा जो है वो घर जैसा है, तो लेकिन एक को जीतना और एक को हारना होता है, तो इसलिए जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कोई रश नहीं है। लोग अपने घरों में, बार्स में, कैफेज़ में वर्ल्ड कप देख रहे थे, और अगर फ्रांस जीत जाता तो उसके बाद लोग यहाँ पर सारी रात सेलिब्रेशंस करते, लेकिन अब यहाँ पर कोई सेलिब्रेशंस नहीं होगी। और यहाँ पर ईफल टावर यकीन एंड ट्राई कलर्स के अंदर जो है वो सजा होता, शायद आतिशबाजी भी होती, हालांकि बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत है, लेकिन लोग डेफिनेटली सेलिब्रेशन करते। लेकिन नो प्रॉब्लम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अर्जेंटीना और माई डीप हार्टली कंडोलेंस टू फ्रांस। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।